हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा के थाईलैंड टूर सीरीज के एक और नए वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पटाया के सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो अगर आप थाईलैंड के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और आपका पटाया का विजिट है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पटाया सिर्फ नाइट लाइफ के लिए फेमस है और यहाँ पर आप एक आध दिन अगर ठहर लेते हैं तो यू कैन जस्ट कवर द एंटायर पटाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहे तो पटाया में इतने टूरिस्ट अट्रैक्शन, इतने साइट सीइंग प्लेसेस है कि आपके लिए अगर 10 दिन का भी आप प्लान करके चलते हैं पटाया का तो भी आपको कम पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे पटाया के सारे टूरिस्ट प्लेसेस, सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन, साइट सीइंग प्लेसेस, मराइन लाइफ रिलेटेड, देन नेचर रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, देन आइलैंड टूर्स वगैरह, और इसके अलावा भी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है या फिर जो भी प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं पटाया में, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में कैटेगरी वाइज देख लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि इन सब जगहों तक आप चीप एंड बेस्ट तरीके से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और इन सब जगहों को कवर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पर। एंड साथ ही साथ मैं आपको इन सब चीज़ों के कॉस्ट भी बताता चलूंगा सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया कि आपको आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से और आपके टाइम के हिसाब से आप किन किन जगहों को घूमना प्रेफर करते हैं। तो चलिए थाईलैंड के टूरिस्ट प्लेसेस की इन सारी इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल में जानकारी के लिए अगले कुछ मिनटों तक बिना स्किप किए बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर आप पटाया के विजिट का प्लान कर रहे हैं तो ये मिनिमम आपको कितने दिन का करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं मिनिमम आप 2 नाइट्स का तो प्लान जरूर कीजिए अगर आप पटाया का विजिट कर रहे हैं। पटाया ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में आए और अगले दिन निकल गए, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। तो इसलिए पटाया अगर आप आते हैं तो पहला दिन आप जब आएंगे तो आपका ऑलमोस्ट आने में ही आपका हाफ डे चला जाएगा, तो उस दिन आपको हाफ डे ही मिलेगा। उसके बाद एक और दिन रखिए अपने हाथ में और उसके बाद वाले दिन चाहे तो शाम तक रहिए या दोपहर के बाद कभी भी आप यहाँ से रिटर्न बैंकॉक का या फिर कोई और जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ का आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 डेज और 2 नाइट्स का एटलीस्ट प्लान कीजिए अगर आप पटाया का विजिट करते हैं तो। अब साइट सीइंग प्लेसेस के लिस्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं पटाया के डिवोशनल प्लेसेस। तो डिवोशनल प्लेसेस में सबसे पहला नाम आता है पटाया का बिग बुद्धा टेम्पल। अगर आप बिग बुद्धा टेम्पल जाना चाहते हैं ये टूवर्ड्स द साउथ पटाया के तरफ है और इस पर्टिकुलर बिग बुद्धा टेम्पल में कोई एंट्री फी नहीं है, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, आप आराम से यहाँ पर जा सकते हैं और कम से कम आधा घंटा 40 मिनट या फिर 1 घंटे तक आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लेस जो एक मस्ट विजिट प्लेस है ये है सेंचुरी ऑफ ट्रूथ इन पटाया। तो ये पर्टिकुलर प्लेस एक तरह से देखा जाए तो ना मंदिर है ना ही कोई वर्शिप प्लेस है, दिस इज एक्चुअली ए म्यूजियम जिसमें आपको हर तरह के धर्म और हर तरह के अच्छे बुरे चीज़ों के बारे में वुडन कार्विंग के थ्रू से अलग अलग जगह पे दर्शाया गया है। तो इस सेंचुरी ऑफ ट्रूथ के बारे में एक मैं डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें काफी सारे डिटेल्स है इसमें जो मैं आपको उसमें बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये नोट कर लीजिए कि ये पर्टिकुलर सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 AM से 6 PM तक डेली, ये किसी भी दिन बंद नहीं रहता है। और यहाँ पर एडल्ट के टिकट का चार्ज है 500 थाई बात और चाइल्ड का चार्ज है 250 थाई बात, बट डिस्काउंट में अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको 450 थाईबास से मिल जाएगा। जो मैंने लिया था ये था फ्रैंक ट्रैवल्स से, तो ये फ्रैंक ट्रैवल्स के सारे डिटेल्स हैं, इनके लाइन आईडी, वीचैट आईडी और ये आप व्हाट्सएप आईडी और डायरेक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको यहाँ पर बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको और भी कम डिस्काउंटेड रेट में मिलता है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर फ्रैंक एंड ट्रैवल जिनसे मैंने लिया था इन्हें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ से भी अच्छा खासा डिस्काउंट में, ये सेंचुरी ऑफ ट्रूथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे और एक्टिविटीज हैं इनके पास, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। अब डिवोशनल प्लेस के लिस्ट में अगला नाम है ये खाओ चाय चैन बुद्धा माउंटेन का। तो ये थोड़ा सा सिटी से आउटर में है बट दिस इज ऑल्सो यूनिक प्लेस। यहाँ लेजर बीम से कटिंग करके इस तरह का 100 फीट से ऊंचा एक मतलब स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये प्लेस के लिए भी एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो आप चाहे तो इस पर्टिकुलर प्लेस को भी विजिट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला नाम है वॉट यान नसंगवाराम, ये एक बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी है
ये भी थोड़ा सा आउटर में है पटाया के मेन सेंटर लोकेशन से, लगभग 20 किलोमीटर के आउटर में है ये। यहाँ पर भी एंट्री फ्री है, बट यहाँ ये बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर एक टूर बस है जो आपको अलग अलग जगह दिखाते हुए जाते हैं। अगर आप ये टूर बस लेकर ट्रैवल कर रहे हैं अंदर, तो इसमें आपको 20 बात पर पर्सन का टूर बस का चार्ज देना पड़ता है, अदरवाइज इट इज टोटली फ्री। एंट्री के लिए आपको यहाँ पर कोई कॉस्ट देना नहीं है। तो अगर आप पटाया में डिवोशनल प्लेसेस की बात करें, तो मेनली ये चार प्लेसेस हैं जो मेजर डिवोशनल अट्रैक्शंस आप कह सकते हैं। और इसमें भी जो बिग बुद्धा टेम्पल है और सेंचुरी ऑफ ट्रूथ है, ये मस्ट है। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ आप जरूर विजिट कीजिए, और बिग बुद्धा टेम्पल भी आप पटाया में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैंकॉक वगैरह में जाते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल विजिट करने, वहाँ आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। कहीं कहीं पे 300 थाई भात पर पर्सन है, कहीं कहीं पे 100 थाई भात, जैसे वाटरून टेम्पल वगैरह है वहाँ 100 थाई भात पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। बट पटाया में ये टेम्पल्स वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर आप जरूर विजिट कीजिए अगर आप पटाया के टूर का प्लान कर रहे हैं तो। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में हम देख लेते हैं पटाया में कुछ एडवेंचर और थ्रिल रिलेटेड एक्टिविटीज, और इसमें सबसे पहला नाम आता है पटाया का टाइगर पार्क। तो पटाया का टाइगर पार्क भी कोई एडवेंचर और थ्रिल से कम नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट केज के अंदर टाइगर के साथ 10 मिनट तक टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। आप इन्हें टाइगर को इस तरीके से छू सकते हैं, इनके साथ फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं, तो ये सब चीजें, ये सब एक्टिविटीज यहाँ पर करवाई जाती है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग टाइगर के साथ टाइम स्पेंड करने का, अलग अलग टाइगर के साथ फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए अलग अलग चार्जेस है। तो इसमें जो बिग टाइगर और स्मॉलेस्ट टाइगर है, इसके लिए आपको 690 थाई भात पर पर्सन देना पड़ता है, और मीडियम टाइगर और स्मॉल टाइगर के लिए 590 थाई भात पर पर्सन है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कुछ कॉम्बो पैकेजेस भी है। तो हमारा जो टिकट था वो था ये मीडियम टाइगर का, तो आप देख सकते हैं मीडियम टाइगर हमारे साइज से काफी बड़ा है। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है अंदर इनके साथ टाइम स्पेंड करने का, एंड इट विल बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर यू। और मैं आपको बता दूं कि ये टाइगर पार्क फुकेट में भी है, बट अगर आप फुकेट जाकर ये टाइगर पार्क विजिट करते हैं तो वहां पर जो कॉस्ट है वो पटाया से हायर है। तो अगर आपका प्लान है फुकेट जाने का और आप पटाया भी विजिट कर रहे हैं और आपको टाइगर पार्क देखना है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पटाया में ही टाइगर पार्क विजिट कर लें, तो आप थोड़ा सा बजट में सेव कर सकते हैं। अब इसके बाद एडवेंचर कैटेगरी में अगला एक्टिविटी है स्काई डाइविंग। जी हाँ, आप पटाया में भी स्काई डाइविंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे दुबई वगैरह में स्काई डाइविंग काफी फेमस है, पटाया में भी आपको स्काई डाइविंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके लिए ये ड्रॉप जोन है। ये ड्रॉप जोन स्काई डाइविंग पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको 13,000 फीट की हाइट से जंप करवाया जाता है। और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं ये इनके एक्चुअल वॉक इन रेट्स, बट अगर आप फ्रैंक ट्रैवल या फिर कोई और टूर एंड ट्रैवल के थ्रू से डिस्काउंटेड रेट में जाना चाहते हैं, तो ये है फ्रैंक ट्रैवल का प्राइस, जिसमें आप अगर ओनली स्काई डाइविंग करना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट हो जाता है 8,300 थाई भात, और स्काई डाइविंग प्लस वीडियो हो जाता है 12,100 थाई भात, और वीडियो प्लस फोटो के साथ स्काई डाइविंग हो जाता है 13,100 थाई भात। तो अगर आप स्काई डाइविंग करना चाहते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सिटी से बाहर है, बट यहाँ पर आपको फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया जाता है पटाया से, तो यहाँ तक आपको जाने के लिए लगभग 1.5 घंटे का ट्रैवल होता है, और ये लगभग 80 से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पटाया से। तो अगर आपके पास आधा दिन से ज़्यादा का टाइम है तो आप ये स्काई डाइविंग वाला एक्सपीरियंस भी पटाया में ले सकते हैं। अब इसके बाद एडवेंचर कैटेगरी में आ जाता है ये बैटल माउस शूटिंग रेंज। जी हाँ, अगर आप शूटिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर शूटिंग रेंज भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के गन में अलग अलग बुलेट्स से 10-10 राउंड के फायर का अगर आप देखें चार्ज दिखा रहा है आपको 1000 थाई भात, 1100 थाई भात, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कॉम्बो चार्जेस भी है। तो इस तरह के अलग अलग प्राइस रेंज है जिसमें आप पटाया में एक शूटिंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला एक्टिविटी है ये थापरया सफारी एंड एडवेंचर, या फिर इसे चांग थाई थापरया सफारी भी कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आउटसाइड में ही है, लगभग 20-25 किलोमीटर बाहर है पटाया सिटी से। तो यहाँ तक अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एलिफेंट ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग विथ फिशिंग, जेटबोर्ड वगैरह, और शूटिंग रेंज, यहाँ पर भी आपको शूटिंग रेंज मिल जाता है। और ये कुछ प्राइसिंग वगैरह है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बंगी जंपिंग वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल है 2,500 थाई भात के प्राइसिंग में, बट ये थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे। और इससे कम रेट में तो आई थिंक जो हमारे इंडिया में जो ऋषिकेश में बंगी जंपिंग है उसका कॉस्ट है 3,700 रुपीज, और अगर आप फोटो वगैरह लेना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और ये 83 मीटर का हाइट रहता है बंगी जंपिंग का, तो ये इससे कम रेट में आपको मिल सकता है।
बट एनी हाउ यहाँ पर अगर आप बंगी जंपिंग करना चाहते हैं तो ये इसका प्राइसिंग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी एंग्री बर्ड, टार्जन, तो ये सारे डिस्काउंटेड प्राइसिंग है। तो अगर आप चाहें तो इस एडवेंचर पार्क को भी आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला एक्टिविटी है ये इजी कार्ट। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये गो कार्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो ये 500 थाई बात पर पर्सन के हिसाब से इसका कॉस्ट पड़ता है। अब इसके बाद अगला एडवेंचर एक्टिविटी है रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। ये एकदम पटाया का जो वॉकिंग स्ट्रीट है इसके पास में ही लगकर ही है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके का एक ऑडिटोरियम विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको अलग अलग तरीके के 3D शोज और हॉन्टेड टाइप के जो हॉरर क्रिएचर से बना हुआ एक ऑडिटोरियम आपको मिलता है। तो यहां पर ये कुछ ऑप्शंस है जैसे स्क्रीम इन द डार्क, देन हॉन्टेड हाउस, देन मूविंग थिएटर, इन्फिनिटी मेज, तो इस तरह के अलग अलग तरह के अट्रैक्शन है। तो यहाँ का जो प्राइसिंग है अगर आप 3 अट्रैक्शन एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 800 थाई बात पे करना पड़ेगा। अगर आप 5 अट्रैक्शन लेना चाहते हैं तो 1000 थाई बात और 7 अट्रैक्शन का 1200 थाई बात आपको पे करना पड़ सकता है। तो एडवेंचर एक्टिविटीज और एडवेंचर थ्रिल रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आप देखें तो पटाया में ये कुछ मेजर एक्टिविटीज है जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं अगर आप पटाया में है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ नेचुरल या फिर नेचर रिलेटेड साइट सीइंग प्लेसेस इन पटाया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, ये काफी फेमस है, जो है नुंग नुज विलेज या फिर इसे नुंग नुज बोटानिकल गार्डन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्लांट के, फ्लावर के स्पीसीज और प्लांटेशंस वगैरह, अलग अलग तरह के गार्डन्स वगैरह मिल जाएंगे। देन यहाँ पर आपको कुछ एलिफेंट राइड वगैरह भी मिलते हैं अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए ये इसके प्राइसिंग लिस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो एडमिशन फी है ये डिस्काउंटेड प्राइस में अगर आपको फ्रैंक ट्रैवल से ये आप रेट देख सकते हैं 570 थाई बात फॉर एडल्ट और 400 थाई बात फॉर चाइल्ड। और इसके साथ साथ अगर आप साइट सीइंग बसेस लेना चाहते हैं तो उसका अलग चार्ज है। इसके अंदर कुछ शोज वगैरह चलते हैं तो साइट सीइंग बस प्लस एडमिशन प्लस शो उसका अलग चार्ज है। उसके साथ आप फूड ऐड करना चाहते हैं उसके अलग अलग चार्जेस हैं, जिसका आपको मैं ये वॉक इन रेट्स दिखा रहा हूँ, प्लस एट द सेम टाइम आपको राइट साइड में ये डिस्काउंटेड प्राइस भी दिख रहे होंगे। तो अगर आप कॉम्बो पैकेज लेना चाहते हैं यहाँ पर दैट इज द बेटर ऑप्शन, जिसमें एडल्ट का आपको 1300 थाई बात आ जाएगा और अगर चाइल्ड है तो उसमें 1000 थाई बात आपको पे करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। तो आपके पास अगर ऑलमोस्ट आधा दिन के लगभग टाइम है तो ही आप ये बोटानिकल गार्डन वगैरह विजिट कीजिए। अब इसके बाद अगला जो प्लेस है वो है मिलियन ईयर स्टोन पार्क एंड क्रोकोडाइल फार्म। तो ये यहाँ पर एक क्रोकोडाइल शो वगैरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो शो के चार्जेस है वो है एडल्ट के 500 थाई बात और चाइल्ड का है ये 250 थाई बात। अब इसके बाद नेक्स्ट नाम है पटाया फ्लोटिंग मार्केट। ये पटाया का जो टाइगर पार्क है यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। और मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक में भी फ्लोटिंग मार्केट है। तो अगर आप फ्लोटिंग मार्केट विजिट करना चाहते हैं और आपके पास बैंकॉक में टाइम शेड्यूल है तो आई प्रिफर कि आप बैंकॉक में इसे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज इफ यू वॉन्ट यू कैन विजिट द फ्लोटिंग मार्केट ऑफ पटाया ऑल्सो। तो यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट के लिए जो एडमिशन चार्ज है वो है 200 थाई बात जनरली, बट आपको ये 120 थाई बात में मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस में। और यहाँ पे एडमिशन प्लस रो बोट वगैरह चलते हैं। रो बोट अगर आप साथ में लेना चाहते हैं तो इसका जनरली कॉस्ट होता है 500 थाई बात, जो आपको ऑलमोस्ट 219 थाई बात में मिल रहा है। ऑलमोस्ट ये आधे रेट से भी कम में आपको मिल जा रहा है। और साथ ही साथ इस फ्लोटिंग मार्केट में आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो आप एट एडिशनल कॉस्ट ले सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिलते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह लगाकर आप अगर फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हैं तो उसका एक आई थिंक 150-200 रुपीज़ रेंटल होता है ट्रेडिशनल ड्रेस का। तो उसको आप पहनकर बोट में ट्रैवल करते हुए यूनिक तरीके से फ्लोटिंग मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला प्लेस है वो है मिनी सियाम। मिनी सियाम एक तरह से मिनिएचर वर्ल्ड है जहां पर आपको दुनिया के हर तरह के आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स जो भी होते हैं, जैसे यहां का फेमस अयोध्या टेम्पल, उसके बाद एफिल टावर, उसके बाद इजिप्शियन आबू सिंबल टेम्पल, ये सारे जो भी अक्रॉस द ग्लोब फेमस प्लेसेस है इनका आपको मिनिएचर वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया का भी जो टिकट कॉस्ट है वो है 245 थाई बात पर पर्सन इन डिस्काउंटेड प्राइस। अब इसके बाद नेचर साइट सीइंग के कैटेगरी में अगला प्लेस है पटाया एलिफेंट विलेज। ये भी ऑलमोस्ट टाइगर पार्क के आसपास ही है, लगभग 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये टाइगर पार्क वाले एरिया से। या फिर पटाया में एक और प्लेस है एलिफेंट से रिलेटेड, जो है एलिफेंट जंगल सेंचुरी ऑफ पटाया।
तो नेचर से रिलेटेड या फिर एनिमल और नेचुरल चीजों से रिलेटेड अगर आप साइट सीइंग प्लेसेस विजिट करना पसंद करते हैं तो आप जा सकते हैं इन सब प्लेसेस में। ये कुछ मेन प्लेसेस है जो मैं आपको यहाँ पर लिस्ट पे दिखा रहा हूँ। और इसमें भी मैं कहूँगा कि जो टाइगर पार्क है ये एक मस्ट विजिट प्लेस है और ये काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा, तो इसे आप जरूर विजिट कर सकते हैं अगर आप पटाया के टूर का प्लान कर रहे हैं तो। अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है कुछ लाइव शोज के। लाइव शोज वगैरह काफ़ी पॉपुलर है पटाया में जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है ये अल्काज़ार शो का। ये अल्काज़ार एक कैबरेट शो है जो थाईलैंड के ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म को दर्शाता है। इसमें आपको ट्रांसजेंडर कैटेगरी के या फिर लेडी बॉयज वगैरह हो गए इनके द्वारा एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल थाईलैंड का जो डांस परफॉर्मेंस होता है ये आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा शो रहता है। एंड सिमिलरली इसी के इक्विवेलेंट में आपको और दो शोज मिल जाते हैं जो है ये टिफेनी शो और कोलोजियम शो। ये तीन शोज ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी के हैं और इनके जो प्राइसिंग है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्काज़ार शो में आपको वीआईपी डीलक्स और स्टैंडर्ड कैटेगरी मिल जाता है जिसमें वॉक इन के रेट तो थोड़े ज़्यादा है, बट अगर आप डिस्काउंटेड रेट में जाना चाहते हैं तो ये 550 थाईवाद है स्टैंडर्ड का, उसके बाद 600 एंड 650 है डीलक्स एंड वीआईपी का। इसी तरीके से आपको जो गोल्ड रेट, वीआईपी रेट और डीलक्स रेट है कोलोजियम शो का और जो टैफनी शो का जो रेट्स है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ का जो ट्रेडिशनल थाई डांस परफॉर्मेंस होता है इस तरह के शोज भी एंजॉय कर सकते हैं पटाया में। अब इसके बाद कुछ और शो है जो है 8-9 शो एंड देन यू हैव 7-9 शो एंड अनदर इज 6-9 शो। तो ये जो तीन शोज मैं आपको बता रहा हूँ तो ये थोड़े से इरोटिक टाइप के या फिर आप कह सकते हैं थोड़े सिडक्टिव या फिर थोड़ा सेंसुअल टाइप के शोज हैं। तो दिस इज बेसिकली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप विथ फैमिली जाएं और चाइल्ड तो यहाँ पर अलाउड है ही नहीं, प्लस यहाँ पर कैमराज वगैरह भी अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप चाहे तो एज ए कपल आप इस पर्टिकुलर शो को एंजॉय कर सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ है या फिर एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप विजिट कर रहे हैं इट्स फाइन, अकेले जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, बट विथ फैमिली आई विल नॉट रिकमेंड दीज थ्री शोज। अब इसके बाद जो शोज की कैटेगरी में अगला ऑप्शन है वो है ये जेएफ बॉक्सिंग। अगर आप लाइव बॉक्सिंग शोज वगैरह देखने के शौकीन हैं तो आप पटाया में जेएफ बॉक्सिंग या फिर इस तरीके के और भी एक दो और बॉक्सिंग शोज वगैरह अवेलेबल है पटाया में, इन्हें आप विजिट कर सकते हैं। तो जेएफ बॉक्सिंग का जो वीआईपी सीट का कॉस्ट है वो है 800 थाई बात, और मैं आपको 8-9 शो और 7-9 शोज वगैरह के जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको बता दूं। 8-9 शो का कॉस्ट है 900 थाई बात पर पर्सन, 7-9 शोज का भी कॉस्ट है 900 थाई बात और 6-9 शो का कॉस्ट है 800 थाई बात फॉर इंडियंस एंड अदर फॉरेनर्स, प्लस चाइनीज और वियतनामीज के लिए ये सेपरेट रेट है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री रीजन के लिए अलग अलग रेट है, और मैं आपको बता दूं थाई रीजन के जो लोग हैं वहाँ के जो मूल निवासी है उनको ये शो में एंट्री अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से आप ये सारे शोज वगैरह है जो पटाया में अवेलेबल है जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं इफ़ यू आर इन पटाया। अब जान लेते हैं पटाया के कुछ वाटर पार्क्स के बारे में और मराइन शोज और मराइन एक्टिविटीज़, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी साइट सीइंग प्लेसेस है जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें वाटर पार्क की कैटेगरी में पटाया में सबसे पहले आता है ये दो बड़े नाम जो है रामायणा वाटर पार्क और कोलंबिया पिक्चर एक्वावर्स। तो बेसिकली ये दोनों वाटर पार्क ही बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको पूरा दिन लग जाएगा जैसे हमारे इंडिया में और बाकी जगहों में वाटर पार्क्स वगैरह होते हैं, अलग अलग वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका जो टिकट कॉस्ट है रामायणा वाटर पार्क का नॉन थाई रेसिडेंट्स के लिए 999, मतलब 1000 थाई बात आपको पे करना है। 1000 थाई बात मतलब लगभग 2200-2300 रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में, और ये फॉरेनर्स के लिए ये रेट और थाईलैंड के जो निवासी हैं उनके लिए अलग रेट है। तो ऑब्वियसली हम जैसे हमारे यहाँ पे ताजमहल के लिए इंडियंस के लिए 50 रुपया लेते हैं और फॉरेनर्स के लिए 1100 रुपये का टिकट लेते हैं, वैसे बाकी देश भी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो एक्वावर्स है इसका जो एडल्ट फेयर है वो है 1390 थाई बात और चाइल्ड फेयर है 1100 थाई बात, और लॉकर का यहाँ पर अलग से चार्ज है 250 थाई बात का। अब इसके बाद अगला नाम है वाटर एक्टिविटीज और मराइन रिलेटेड कैटेगरी में अंडर वाटर वर्ल्ड पटाया। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरह के मराइन स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे, और इसका जो एडल्ट फेयर है वो है 450 थाई बात और चाइल्ड फेयर है 200 थाई बात। और अब इसी कैटेगरी में अगला नाम है मॉन्स्टर एक्वेरियम का। ये एक वाटर टनल शेप में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर से आप अगेन अलग अलग तरह के मराइन स्पीसीज वगैरह देख सकते हैं। इसका एडल्ट फेयर है 230 थाई बात और चाइल्ड फेयर है 140 थाई बात।
अब इसके बाद अगर आप डॉल्फिन के शौकीन हैं, डॉल्फिन के जो शोज वगैरह चलते हैं, तो इसके लिए भी पटाया में ये ऑप्शन है डॉल्फिनेरियम। डॉल्फिनेरियम में आपको डॉल्फिन रिलेटेड अलग अल्ग शोज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एडल्ट चार्ज अगर आप देखें तो रेगुलर, डिलक्स और वीआईपी में सीटिंग के कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। और साथ ही साथ अगर आप डॉल्फिन के साथ स्विम करना चाहते हैं और उनके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, तो आपको 3300 थाई बात या फिर फोटोज के लिए 400 थाई बात देना पड़ सकता है। अब अगला ऑप्शन है ये फ्रॉस्ट मैजिकल आइस। ये एक तरीके से एक आइस वर्ल्ड है आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको आइस के काफी सारे स्ट्रक्चर प्लस स्लाइडिंग्स वगैरह, आइस से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिल जाएगी। इनफैक्ट आपको लगेगा आप मनाली या मसूरी में आ चुके हैं। तो इस तरीके का एक स्नो वर्ल्ड है आप कह सकते हैं। तो इसका जो एडल्ट फेयर है वो है 550 थाई बात और चाइल्ड फेयर है 400 थाई बात। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है ये आर्ट इन पैराडाइज। आर्ट इन पैराडाइज एक तरह से इल्यूशन रिलेटेड इमेजेस फॉर्मेट है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के पिक्चर्स या फिर इमेजेस यहाँ पर बने होंगे, जिसमें आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो ये होंगे तो इमेजेस ही, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये काफी रियल है। तो इस तरह के प्लेसेस भी अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ के लिए जो एडल्ट फेयर है वो है 300 थाई बात और चाइल्ड फेयर है 200 थाई बात। तो ये कुछ मराइन रिलेटेड या फिर वाटर पार्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जिन्हें आप पटाया में एंजॉय कर सकते हैं, अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है और इन सब चीज़ों का आप अगर शौक रखते हैं तो। अब इसके बाद अगर आप एक आइलैंड टूर या फिर एक वाटर एक्टिविटीज़ इन आइलैंड प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक डे टूर मिलता है जिसे कोलान आइलैंड ट्रिप कहा जाता है, जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है 1700 थाई बात पर पर्सन का। और इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है जो आपको ये करवाएंगे। एट द सेम टाइम आपको ये आपके होटल से ट्रांसफ़र भी देंगे, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी रहता है, प्लस वहाँ पर जो टावल और बीच बेंचेस वगैरह है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट ए बफे लंच इन दिस पर्टिकुलर पैकेज। ये एक तरह से पूरा दिन का पैकेज रहता है। आपको सुबह सुबह पिकअप किया जाएगा आपके होटल से, उसके बाद सबसे पहले आपको ये बोट में बैठा कर लेके जाते हैं पैरासेलिंग करवाने, देन उसके बाद ये आपको एक छोटे से और टापू जैसे एरिया में लेके जाते हैं शिप से, वहां पर आप करेंगे सी वॉक। सी वॉक का जो वीडियोज एंड फोटोज है उसके लिए ये 1000 रुपीज अलग से चार्ज करते हैं, तो आप चाहे तो ये फोटोज एडिशनल कॉस्ट पे करके ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट एंजॉय द सी वॉक। उसके बाद फिर ये आपको एक अलग छोटे से आइलैंड में लेके जाएंगे। ये सब कोलान आइलैंड का ही सब आइलैंड्स आप कह सकते हैं, वहाँ पर ले जाएंगे। वहाँ पर आपको ये जेट स्की और बनाना राइड वगैरह करवा देंगे। फिर आपको छोटा सा एक और आइलैंड में लेके आएंगे, वहाँ पर आपको स्नॉर्कलिंग वगैरह का एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो इस तरीके से आपको घुमा घुमा के अलग अलग चीज़ें आपको ये करवाते रहेंगे पूरे दिन में, और ये ऑलमोस्ट पूरा दिन आपका इसी तरीके से स्पेंड हो जाएगा। और फाइनली जब आपको ये वापस ले आएंगे पटाया के उस जेट्टी में या फिर उस पियर पे, वहाँ से आपको ये एक होटल में ले जाकर एक बफे लंच वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से फिर फाइनली आपको ये आपके होटल या फिर आप जहाँ भी चाहे वहाँ पे आपको ये ड्रॉप कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैकेज आप ले सकते हैं, जिसे एक डे टूर, डे आइलैंड टूर कहा जाता है, और इसका कॉस्ट डिस्काउंटेड प्राइस में फ्रैंक ट्रैवल से आपको मिल सकता है 1700 थाई बात पर पर्सन के कॉस्ट में। इसके बाद अगर आप डिनर क्रूज वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डिनर क्रूज के लिए पटाया से बेटर है बैंकॉक में डिनर क्रूज प्लान करना, क्योंकि बैंकॉक में इसके काफी अच्छे ऑप्शन है। चाओपाया रिवर पे आपको बहुत सारे डिनर क्रूज के शिप्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको अच्छे डिनर क्रूज के ऑप्शन मिलेंगे। बट इन केस अगर आप बैंकॉक में ये चीज नहीं कर पाते हैं और पटाया में आपके पास इस चीज को करने का टाइम है और ये आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो पटाया में भी आपको डिनर क्रूज के एक या दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है ये ऑल स्टार क्रूज। ऑल स्टार क्रूज में आपको 1400 रुपीज कॉस्ट है एडल्ट का और 1100 है चाइल्ड का। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है ये ओशन स्काई पटाया। ओशन स्काई पटाया में आपको 1700 रुपीज पर पर्सन पे करना पड़ सकता है। तो ये थोड़े से कॉस्टली है कंपेयर टू बैंकॉक, बट अगर आपको बैंकॉक में ये मौका नहीं मिलता है, देन यू कैन गो फॉर दिस डिनर क्रूज ऑप्शन इन पटाया ऑल्सो। अब देख लेते हैं कि पटाया में अगर आपको बीचेस वगैरह एक्सप्लोर करने हैं, तो यहाँ के जो फेमस 2-3 बीचेस हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पटाया बीच मिल जाएगा। पटाया बीच वॉकिंग स्ट्रीट से एकदम लगकर ही है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इवनिंग के टाइम में। सुबह के टाइम में थोड़ा धूप ज़्यादा रहता है, बट यू कैन विजिट एट मॉर्निंग ऑल्सो, बट इवनिंग टाइम आप इस पर्टिकुलर प्लेस को विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से होते हुए आप वॉकिंग स्ट्रीट तक जा सकते हैं और अपना नाइट वगैरह जो है यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेमस बीच जो पटाया में है वो है जोमेटिन बीच। जोमेटिन बीच में भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कैफेज वगैरह मिल जाएंगे, रिसॉर्ट्स भी है यहाँ पर, तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट विजिट जोमेटिन बीच। और जोमेटिन बीच से ही लगकर है ये डोंगटन बीच, तो आप चाहे तो इस डोंगटन बीच को भी विजिट कर सकते हैं।
तो अगर आप पटाया में बीचेस वगैरह में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं बीचेस को, तो आप ये तीन बीचेस हैं, मेजर बीचेस है पटाया में, इन्हें आप विजिट कर सकते हैं। अब फाइनली आ जाते हैं पटाया के नाइट लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मस्ट विजिट प्लेस है पटाया में, जिसके लिए लोग आते हैं, वो है पटाया का वॉकिंग स्ट्रीट। आप पटाया का वॉकिंग स्ट्रीट जरूर विजिट कीजिए। ध्यान रखिएगा, पटाया का वॉकिंग स्ट्रीट 8:30-9 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। अगर आप 8 बजे से पहले वॉकिंग स्ट्रीट में चले जाते हैं तो आपको उतनी रौनक देखने को नहीं मिलेगी। आप अगर पटाया के वॉकिंग स्ट्रीट को एक्चुअली में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको 9-10 बजे के बाद यहाँ पर आना है और आप यहाँ पर रात के 1-2 बजे तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाइट क्लब्स, पब्स और बहुत तरह के खाने पीने के ऑप्शन और भी बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं। ये बहुत हैपनिंग रहता है पूरी रात भर। इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जाकर मेरे ट्रैवल यात्रा चैनल के जो थाईलैंड टूर सीरीज प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको इसका लिंक आ जाएगा। अब इसके बाद अगला चीज़ है पटाया में नाइट में एंजॉय करने के लिए, ये पटाया का नाइट बाजार। ये पटाया का नाइट बाजार ऑलमोस्ट सेंट्रल पटाया में है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फूड, क्लोथिंग और अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस जगह को भी आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके पीछे भी आपको कुछ क्लब्स और पब्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आप नाइट में ईजिली वॉकिंग स्ट्रीट जैसा ही एक आपको माहौल मिलेगा। तो यू कैन जस्ट स्पेंड सम टाइम इन दिस प्लेस ऑल्सो इफ़ योर होटल इज इन सेंट्रल पटाया लोकेशन। अब इसके बाद कुछ और प्लेसेस है पटाया में, जैसे ये जोमेटेन नाइट मार्केट और ये थेपारासिट नाइट मार्केट। तो इस तरीके से पटाया में नाइट लाइफ के लिए मस्ट है ये वॉकिंग स्ट्रीट, एट द सेम टाइम सम अदर नाइट मार्केट्स और प्लेसेस है जहां पर आप नाइट में बहुत इजीली एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको इन सब प्लेसेस में रात के 1-2 बजे भी ऐसा लगेगा कि शाम के सिर्फ 6 ही बज रहे हैं। और क्विकली मैं आपको बता दूं कि पटाया में इन सब प्लेसेस को विजिट करने के लिए आपको कोई कैब हायर करने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई भी मतलब एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट मोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पर जो आउटर में है उनके लिए आपको कैब हायर करना पड़ सकता है, बट सिटी के अंदर जैसे वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह है और ये सब जगहों को घूमने के लिए आप इस तरह के सॉन्गथेव या फिर इसे शेयरिंग वैन भी कह सकते हैं, ये सब वैन्स वगैरह आप ले सकते हैं। ये आपको हार्डली 10 भात में सेंट्रल पटाया से साउथ पटाया या फिर साउथ पटाया से नॉर्थ पटाया तक इजीली छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैं जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इस सॉन्गथेव के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको सॉन्गथेव में कितना पे करना पड़ सकता है। और इसके अलावा पटाया में इन सब टूरिस्ट अट्रैक्शंस को विजिट करने के लिए एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस की सर्विस भी है, बट ये थोड़ा कॉस्टली है जो इसलिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस का वेबसाइट है जो है elephantbustours.com। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो ये पटाया में भी इसका सर्विस है और आपको बैंकॉक में भी इसके सर्विस मिल जाएंगे। और पटाया का अगर सर्विस का मैं आपको रेट दिखाऊं तो ये है पर डे का 800 थाई बाट, 2 दिन का आप पैकेज लेते हैं तो 900 थाई बाट, या फिर आप 3 दिन का पैकेज लेते हैं तो ये 1000 थाई बाट है। बट 800 थाई बाट एक बस में ट्रैवल करने के लिए आई डोंट थिंक इट्स वर्थ, बिकॉज इससे कम रेट में आप अगर चाहें तो बोल्ट या फिर जो ग्रैब वगैरह के जो कैब ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर, इससे भी आप कर सकते हैं। सॉन्गथेव वगैरह से तो आपको सिटी के अंदर ट्रैवल करने को मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको पता चल गया होगा कि पटाया सिर्फ नाइट लाइफ के लिए फेमस नहीं है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप लगभग 8-10 दिन का भी अगर आप प्लान करके चलते हैं तो भी आपको पटाया का विजिट कम पड़ सकता है। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से पटाया के जितने भी साइट सीइंग प्लेसेस, एक्टिविटीज़ और टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह है उनके बारे में एक ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ का एक ओवरऑल जानकारी मिल गया होगा। तो मेरे इस वीडियो का इंटेंशन यही था कि आपको एक ब्रीफ दे दूँ पूरे पटाया का। बाद में पटाया के बारे में मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको अगर 3 डेज का प्लान है तो आप कौन कौन से जगह विजिट कर सकते हैं, या फिर मस्ट विजिट प्लेसेस अगर आप 1 या 2 दिन के लिए भी आ रहे हैं तो मस्ट विजिट प्लेसेस कौन कौन से हैं। बट फिलहाल इस वीडियो से आपको यहाँ पे क्या प्राइसिंग हो सकता है, कौन सा चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, इन सब चीज़ों के बारे में एक ओवरऑल जानकारी मिल गई होगी। प्लस एट द सेम टाइम मेरा आपके पास कमेंट सेक्शन तो है ही है, आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भले ही ना दे पाऊं, बट आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। तो ऑन दिस नोट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड, और मैं आपसे मिलता हूं इसी थाईलैंड टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी इस थाईलैंड टूर सीरीज के पूरे प्लेलिस्ट को आप यहां से चेक कर सकते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।